जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको लेके जाता हूँ पापा जवानी। ये इनके बहुत ही मशहूर और क्या कहते हैं एक पादरी हुए हैं, नाम उनका पापा जवानी। तकरीबन काफ़ी देर पहले फोत हो गए हैं, लेकिन उनकी मूर्ति और उनके कपड़े वपड़े जो अंदर पड़े होते हैं वो दिखाता हूँ। आए मेरे साथ। यहाँ पर बहुत खामोशी होती है, मैं अपने सब दोस्तों से माजरे चाहता हूँ, यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं है, खामोश रहना पड़ता है, यानी कि खामोशी है यहाँ पे, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बात नहीं करने देते। ये वीडियो चर्च के ऊपर बनाई गई है, पूरा चर्च है, इसके जो खूबसूरती है वो दिखाई गई है इसमें। तो ये बहुत पुराना चर्च है, इसको देखने के लिए दुनिया तकरीबन जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो आप भी एंजॉय करें। ये वो जगह है, ये हर चर्च के अंदर होती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, यानी कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये जो इनके पादरी होते हैं वो अंदर बैठता है यहाँ पे, और जिससे कोई गलती मिस्टेक हो जाती है ज़िंदगी में, वो दूसरी तरफ बैठता है, वो अपनी परेशानी, अपनी जो मामलात हैं ज़िंदगी के जो डिस्कस, वो उससे डिस्कस करते हैं। तो ये जाली है, यहाँ से आवाज़ आती है अंदर से। ये इनका बहुत पुराना चर्च है इटली में, ये चितालता में है, बेरगमो में, या मन्नत भी मानी जाती है। ये अपने दिए जला रहे हैं, जैसे जैसी मन्नत है वैसे वैसे दिए जला के रख देते हैं। बहुत एक सुकून है, खामोशी है, सुकून है। लोग ज़्यादातर यहाँ पे रिलैक्स दिमाग को करने आते हैं, दुनिया की परेशानियों गम से दूर। जैसे हालात हैं दुनिया में, हर बंदा परेशान है, परेशानी के गवाह ही हाल है जो इंसान अपने खुदा के घर जाके रोते हैं। और खामोशी अख्तियार करते हैं, ये हैं पापा जवानी। इनके नाम पे हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, इनके नाम भी
बसें भी चलती हैं, काफी प्रोजेक्ट हैं इनके नाम पे। ये लोग मनते मानते हैं, मन्नत या इनका कुछ अपना कीदा होगा, आइडिया नहीं है। ये इनके वो कपड़े हैं जो तकरीबन एक पहन आते थे। चलते हैं अभी बाहर, यार अंदर यकीन करो बहुत खामोशी और सुकून आ गया। बात यह है कि है तो अल्लाह का घर है ना, इबादत अल्लाह की होती है, खुदा की होती है। अल्लाह ताला को कई नामों से पकारते हैं लोग, मस्जिद हो, दिल को और दिमाग को बेसकूनी हो, परेशानी हो, यकीन माने मैं ये दावे से कहता हूँ, तो आप मस्जिद में चले जाएं, ठीक का जगह है। यहाँ पे आप खामोशी खामोश तरीके से बैठ सकते हैं और एक लगन से अल्लाह से फरियाद करते हैं अपनी। हर जगह पे अल्लाह ताला हैं, आप हर जगह पे अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं, तो आपकी परेशानियां अल्लाह ताला सुनने वाला है, मेरियां भी सुनने वाला है, सुनता है, क्यों नहीं।
और सुकून नमाज पढ़ने में है, अल्लाह ताला की इबादत करने में है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अभी तो लोग इटली, पहले कभी होता था हम यार इटली क्या चीज़ है, अभी तो यकीन कर छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इटली क्या चीज़ है, क्योंकि मालूमात इतनी हो गई है, बच्चे बच्चे को मालूमात हो गई है। तो कई लोगों से सवाल करते हैं, पूछते हैं भाई आप कैसे आए, क्या तरीक़ेकार है, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं यार, हम चले जाए तो क्या होगा यार, हमारी शक्ल ऐसी है वैसी है। तो मुझे भी पहले हिचकिचाहट होती थी, लेकिन जब वो कहते हैं ना शर्म उतार दे बंदा, तो फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जब जिसने की शर्म उसके फूटे करम। शर्म करनी चाहिए, कई जगहों पे करनी भी चाहिए, जहां शर्म करने वाली होती है वहां करते नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज, खुश रहो।